तो सो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, एंट्री हो गया हम लोगों का दोस्तों। और दो घंटे हम लोग दोस्तों मेहनत किए, दो घंटे लाइन में लगे रहे। दो घंटे लगने के बाद दोस्तों मंदिर के अंदर हम लोग का एंट्री हुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ के दोस्तों चेकिंग पॉइंट है, और यहाँ पर दोस्तों चेकिंग वगैरह होता है। तो आपके पास जैसे दोस्तों मोबाइल, पर्स या घड़ी वगैरह जो भी आप लेके आते हैं दोस्तों वहाँ पर जमा करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लेडीज़ वगैरह का चेकिंग पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर चेक होता है। और यहीं से आप लोग भी आप सामान वगैरह लेके आए दोस्तों यहीं पर जमा करना होता है। जैसे लॉकर बना हुआ है वहाँ पर जमा कर दोस्तों। कुछ इस प्रकार से लाइन लगा के आपको चलना होता है दर्शन के लिए। देखिए कितनी लंबी लाइन है। तो सो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, एंट्री हो गया हम लोगों का दोस्तों। और दो घंटे हम लोग दोस्तों मेहनत किए, दो घंटे लाइन में लगे रहे। दो घंटे लगने के बाद दोस्तों मंदिर के अंदर हम लोग का एंट्री हुआ। और दोस्तों आज सोमवार का दिन है तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको दिखाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। और भीड़ में हमने दो घंटा तक सब मेहनत किया दोस्तों, दो घंटे तक लाइन में लगे रहे। और फाइनली लाइन में लगने के बाद दोस्तों हम लोगों का एंट्री जो है मंदिर के अंदर हो चुका है दोस्तों। और देखिए दोस्तों कुछ मंदिर का इस प्रकार से नज़ारा है। और भीड़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना जो है भीड़ है, आप खुद ही देखिए। हमको लगता है अभी दोस्तों दर्शन करने में हमें दो ढाई घंटे लग जाएंगे। तो आप जब भी आइए दोस्तों सोमवार को दर्शन करने, अगर आना हो तो आप मॉर्निंग टाइम में आइए, सात बजे तक आ जाइए आप यहाँ पे मंदिर के अंदर, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर सोमवार के दिन दर्शन करने का प्लान है दोस्तों तो सुबह आ जाइए 7 बजे तक, या फिर नाइट में दोस्तों 8 बजे के बाद आप आइए, तब आपको खाली मिलेगा। अन्यथा आप इसके बीच में अब आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा दोस्तों, जिस प्रकार से हमें दो ढाई घंटे लग गए लाइन में लगने में। और दोस्तों उसके बाद हम मंदिर के अंदर एंटर किए। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि अभी भी हमें 2 घंटा और मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आगे दर्शन होगा। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ कि कितना भीड़ है यहाँ पे, खुद देखिए। मैं आपको दोस्तों देख सकते हैं कितना पीछे भीड़ है। और वही जो दोस्तों देखिए अंदर का जो मेन पॉइंट है दोस्तों, वही पीछे जो दिख रहा है वही मेन, वहीं से एंट्री गेट है दोस्तों, वहीं से एंट्री किया जाता है। क्योंकि दोस्तों इस यहाँ के बाद मेरा फ़ोन अब जमा हो जाने वाला है, अब मेरा फ़ोन जमा हो जाएगा तो अंदर दोस्तों फ़ोन अलाउ नहीं है। पास वगैरह बनाना पड़ता है तो आप फ़ोन ले जा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि अंदर नहीं ले जा सकते, मगर पास वास बनवाना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा देखिए बना हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बैठ देखिए इतना खूबसूरत जो है, देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है दोस्तों, इतना खूबसूरत। और दोस्तों वो देखिए सामने ज्ञानवापी मस्जिद जो कि दिखाई दे रहा है, वो ज्ञानवापी मस्जिद है दोस्तों। और यहीं पे देखिए दोस्तों मंदिर एंट्री का रास्ता जो है यहीं से है, मैं आपको चलूँगा नीचे लेकर दिखाऊँगा दोस्तों। फिलहाल आप कॉरिडोर का ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। और दोस्तों ये गेट नंबर 1 है, जहाँ पर जब मैं आया था अंदर एंट्री करा था, मैं आपको बताया था दोस्तों कि मैं ये गेट नंबर 1 से एंट्री कर रहा हूँ। तो गेट नंबर 1 से मैं एंट्री किया था दोस्तों, जो कि गेट नंबर 1 दोस्तों यही है, मैं दोस्तों गेट नंबर 1 लिखा हुआ है इस पर। और यहाँ से एंट्री जैसे हम लोग ये गंगा जी की तरफ से दोस्तों एंट्री किए थे, वो सामने पीछे गंगा जी है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं गेट नंबर 1 है और यहीं से हम लोग एंट्री किए थे। गेट नंबर 1 से जब आप एंट्री करेंगे तो आप पीछे की तरह आपको इधर जाना पड़ेगा। और दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, बहुत ही मतलब समझिए भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से। हमने कई लोगों से बात भी किया दोस्तों, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, अलग अलग राज्य से लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। तो आप भी एक बार काशी विश्वनाथ आना चाहते हैं तो दोस्तों ज़रूर विजिट करिए काशी विश्वनाथ, बहुत ही प्यारा टेम्पल है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर आने के लिए किस प्रकार से आ सकते हैं, कैसे आएँगे और किस तरीके से आना है, कितना आपका पैसा लगने वाला है, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, बहुत कुछ आप सभी को इस चैनल पर दिखाया जाएगा दोस्तों, बहुत सारा वीडियो आप सभी को दिखाया जाएगा दोस्तों। मंदिर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर आप भी कर सकते हैं, तो देखिए साड़ी वगैरह का जो है यहाँ पर दुकान वगैरह है, दर्शन भी कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे टॉयलेट ही बना हुआ है, तो अंदर आप टॉयलेट के लिए घबराइएगा नहीं,
ये देखिए सामने उधर गेट है और गेट के ही जस्ट इधर देखिए साइड में ही यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है। यहाँ पे देखिए टॉयलेट बना हुआ है पीछे मेरे, यहाँ से आप आके टॉयलेट वगैरह कर सकते हैं। मैं आपको बैक कैमरे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है टॉयलेट शौचालय, और कुछ इस प्रकार से मंदिर है दोस्तों। देखिए तो फाइनली दोस्तों मेरा काशी विश्वनाथ दर्शन हो गया, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया दोस्तों। हम लोग 8 बजे से ही यहाँ पे आए थे और अभी के जो है 12:30 बज रहे हैं, मतलब 4-5 घंटे मुझे लग गए दोस्तों दर्शन करने में। हम लोगों को काफ़ी मतलब भीड़ था, भीड़ के वजह से दर्शन है। तो सोमवार को दोस्तों आप दर्शन करने सोमवार को मत आइएगा, मैं तो इतना ही बोलूँगा, बाकी आप किसी दिन आ सकते हैं। और अच्छा प्लेस है काशी विश्वनाथ मंदिर, अगर जो भी बाहर से वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आए दर्शन करें। यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा था दर्शन करके, और हम लोगों ने प्रसाद भी चढ़ाया था, लेकिन आप सभी को दिखा रहा हूँ वहाँ से ही प्रसाद, अंदर से प्रसाद लिया था। तो आप लोग भी आइए तो प्रसाद वगैरह चढ़ा लीजिए और फिर बाकी घूमिए। देखिए वहीं जहाँ पे एक गेट नंबर 1 पे थे, अभी हम लोग गेट नंबर 1 पे ही देखिए आ चुके हैं, गेट नंबर 1 पे ही आ गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग जा रहे हैं घर को, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। और बीच में दोस्तों हम लोगों ने अन्नमाता जो है, अन्नपूर्णा माता है, वहाँ पर प्रसाद भी वितरण होता है फ्री वाला, तो आप वहाँ पे भी जाके प्रसाद वरसाद खा सकते हैं। बाकी यहाँ पे लाइव दर्शन वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे एक्टिविटी चालू है इसमें, तो आप आइए यहाँ पे फुल एंजॉय करिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो मेरे वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको सलाह दे दूँगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।